मेरा पासपोर्ट की अपॉइंटेड डेट मिली हुई थी मुझे यहाँ आसंद रोड सिनेमा थिएटर वैन नंबर वन में। भैया आपका एड्रेस सोनीपत का है, एड्रेस सोनीपत का है तो मुझे अपॉइंटमेंट यहाँ की क्यों दी गई? तो अब इन्होंने मना कर दिया भाई आपका पासपोर्ट यहाँ नहीं बनेगा, आप अम्बाला या चंडीगढ़ जाइए। तो ये कहते हैं कि वहाँ चंडीगढ़ जाइए, फिर यहाँ किस लिए बैठाए गए हैं यहाँ इनको? ये शख्स पेशे से वकील है और पानीपत के पोस्ट ऑफिस में बने पासपोर्ट ऑफिस में ये हंगामा कर रहे हैं। हंगामा करना जायज भी है इनका, क्योंकि आज इन्हें पानीपत के पोस्ट ऑफिस में अपॉइंटमेंट मिली है पासपोर्ट की। लेकिन यहाँ पहुँचने पर इन्हें पता लगता है कि ये तारीख तो है ही नहीं, यानी कि तारीख 18 है लेकिन यहाँ पर नहीं है। इसको लेकर ये शख्स जो है भड़क जाते हैं। आपको सुनवाते हैं इनका क्या कहना है। मेरा पासपोर्ट की अपॉइंटेड डेट मिली हुई थी मुझे यहाँ आसंद रोड सिनेमा थिएटर वैन नंबर वन में, तो हम आए यहाँ, आते ही मैंने दिया, देने के बाद ये बोले भैया आपका एड्रेस सोनीपत का है, एड्रेस सोनीपत का है तो मुझे अपॉइंटमेंट यहाँ की क्यों दी गई? क्यों यहाँ का एड्रेस आया वैन नंबर वन और आसंद रोड पोस्ट ऑफिस में जाइए आप? बोला तो अब इन्होंने मना कर दिया भाई आपका पासपोर्ट यहाँ नहीं बनेगा, आप अम्बाला या चंडीगढ़ जाइए। तो ये फीस जो मैंने एक महीना पहले पे किया था उसका कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन जिम्मेवार होगा ये सब? अब आपने इनसे बात करी है क्या कुछ बताया? इन्होंने बताया हम लिख के भी दे सकते हैं आप चंडीगढ़ या अम्बाला ही बनेगा आपका। आपका अपॉइंटमेंट कब आया था? अपॉइंटमेंट मेरा आज का 18/7 का हुआ था अपॉइंटमेंट, 19 को मैंने अप्लाई किया था। तो किस नाम से अप्लाई किया था आपने? मैंने राजवीर सिंह सन्नौप श्री जगदीत, हाँ मैंने अपने ही नाम से बनवाना था पासपोर्ट। अब इसको लेकर आपको क्या कुछ समस्या आ रही है? समस्या तो ये है कि हरासमेंट हो गया। मैं तो ये चाहता हूँ कि पूरा यहाँ तो फिर पासपोर्ट ऑफिस से ही यहाँ बंद किया जाए, अम्बाला या चंडीगढ़ ही किया जाए। जब ये कहते हैं कि अम्बाला चंडीगढ़ हो या तो अपॉइंटमेंट नहीं मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिलनी चाहिए थी यहाँ की। अपॉइंटमेंट मिली तो मेरा इशू होना चाहिए था, पासपोर्ट मेरा अप्लाई होना चाहिए था यहाँ, फोटो वोटो सब होना चाहिए था। हरासमेंट तो हुई ना मुझे एक महीने की। सभी के साथ जब एडवोकेट के साथ ऐसा कर रहे तो ये सभी के साथ पूरे वर्ल्ड के अंदर ये चला हुआ है। ये कहते हैं कि वहाँ चंडीगढ़ जाइए, फिर यहाँ किस लिए बैठाए गए हैं यहाँ इनको? चंडीगढ़ ने जो भी ये कहते हैं आरपीओ चंडीगढ़ ने किस लिए यहाँ इनको बैठा दिया? हर गांव हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पोस्ट ऑफिस में बैठाया है तो हरासमेंट करने के लिए बैठाया। जैसे अब मेरा सोनीपत का एड्रेस था, अभी ये तो बोल दिया भाई सोनीपत होगा, तो अपॉइंटमेंट मेरी यहाँ की क्यों नहीं उठाई है? तो तभी तो मैं आया हूँ, यहाँ का एड्रेस आया अपॉइंटमेंट। अब इस चीज़ में आप किसकी लापरवाही मान रहे हो? इस चीज़ में तो अभी ये जो खुद बता रहे हैं इन्हीं की लापरवाही समझेंगे हम, तो इन्हीं की लापरवाही समझेंगे। इनसे कोई रिप्लाई करने पूछने वाला हो तो मैं तो ये चाहता हूँ कि मीडिया में फैलाइए और इसको यहाँ बंद किया जाए तो बेटर है। पासपोर्ट ऑफिस जब हमारे साथ आम आदमी साथ क्या होगा जब हमारे साथ ये ऐसा हो रहा है? तो कुछ मिसबिहेव भी करता है? मिसबिहेव क्या, अभी बारिश आई हुई थी और सभी खड़े थे, ये तो अंदर कुंडी बंद करके बैठ गए, बोला ये लाइन लगाओ बस। मिसबिहेवियर इससे ऊपर क्या मिसबिहेवियर होगा? जब डेट अपॉइंट हुई है आज फोटो नहीं हुआ तो इससे ऊपर क्या मिसबिहेवियर होगा? ये तो अपॉइंट नहीं होनी चाहिए थी यहाँ के, अदर डिस्ट्रिक्ट के इन्होंने बंद करना चाहिए भाई, अदर डिस्ट्रिक्ट नहीं बनेंगे। आप कहाँ के रहने वाले हो? सोनीपत। हाँ जी, पासपोर्ट मैंने यहीं से अप्लाई किया था। पासपोर्ट तो अदर कंट्री में कहीं भी जा सकता था मैं, उसके लिए अप्लाई होता है पासपोर्ट। तो अब इनका लास्ट निचोड़ क्या है, चंडीगढ़ जाना पड़ेगा? लास्ट निचोड़ तो यही है कि अब आरपीओ चंडीगढ़ जाऊंगा और मेरे मीडिया से यही है कि यहाँ बंद किया जाए और पूरे हरियाणा का पासपोर्ट जो भी है या तो अम्बाला या चंडीगढ़ इधर होना चाहिए जो जहाँ था पे, क्योंकि जब हर शहर के अंदर पोस्ट ऑफिस में खोला गया, ये गलत खोला गया है। गलत इसलिए खोला गया जब अपॉइंटमेंट हुई है जहाँ की वहाँ पासपोर्ट ही नहीं अप्लाई हो रहा हमारा, नई फोटो वोटो हो रही, तो क्या फ़ायदा है फिर अपॉइंटमेंट जो कि यहाँ की मिली हुई थी? ये पूरा एड्रेस देखिए, इसके अंदर लिखा है एड पोस्ट ऑफिस आसंद रोड नियर सीमा थिएटर, देखिए ये एड्रेस पूरा लिखा है। यहाँ की अपॉइंटमेंट थी तभी तो मैं यहाँ आया हूँ, मैं क्यों लगता? लेकिन अभी ये चंडीगढ़ बता रहे हैं, ये अभी बोल रहे हैं अम्बाला या चंडीगढ़ होगा। तो इनका कहना है कि वो कई दिनों से इंतजार कर रहे थे अपने पासपोर्ट की डेट का, लेकिन जब डेट आती है तो उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है। आपका इस वीडियो को लेकर जो भी कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।